और तप किसको कहते हैं कि देह धर्म सहन करना, उसको कहते हैं तप। जीवन निर्वाह में आती प्रतिकूलता में भी स्वस्थ रहना, उसको कहते हैं तप। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जीवन क्या है, आप जैसा सोच के बैठे हो, आप जैसा प्लानिंग करके बैठे हो, वैसा पहले भी कभी हुआ है? आप बोलेंगे नहीं, जे विचारी जे तो थतुज नथी, जे वो विचारी हो छे थतुज नथी। तो देखो, जैसा प्लानिंग अपन ने किया हो वैसा न तो किसी का हुआ है, न अपना ही कभी हुआ है। सोचा था कुछ और सामने परिस्थिति कुछ और जाती है। तो जब वस्तु अपने मन के हिसाब से होती नहीं है, तो कहते हैं कि जो परिस्थिति अपन के सामने है, इच्छित और न इच्छित दोनों परिस्थिति के अंदर अपन विचलित न हो, और जो भी वस्तु प्रभु ने हमको दी है उसको प्रभु का प्रसाद मान के रहें। देखो, यदि इंसान को दुखी ही होने का स्वभाव पड़ गया है तो उसको राजमहल में जाके बैठा दोगे ना तो भी रोता रहेगा। और जो व्यक्ति आनंद ढूंढ सकता है उसे आप झोपड़ी में बैठाओगे ना तो भी वो बड़ा प्रसन्न रहेगा। ये इंसान के देखने का नजरिया है। जब एक बहुत बड़े श्रीमंत थे, उसके मन में इच्छा आई कि मैं अपने बेटे को दिखाऊं कि देख बेटा गरीबी किसको कहते हैं। और ये इच्छा उसके मन में आई और कहा कि मुझे गरीबी दिखानी है तो मैं गांव में ले जाऊं और गांव के लोगों को दिखाऊं कि पता चले कि देख तू कैसे रहता है और वो गरीबी किसको बोलते हैं। इस बेचारे ने कभी गरीबी देखी नहीं है। तो गरीबी दिखाने के लिए वो पिता अपने बेटे को गांव में ले गया कि देख बेटा ये लोग खेतों में सो रहे हैं, देखो इनको खाने का कुछ नहीं मिल रहा, देखो कैसी दशा इनकी है, देखो तो सही ये सूरज तप रहा है और बैठे हैं। और सब कुछ दिखाया। सब कुछ दिखाने के बाद शाम को दोनों अपने बंगले पे आए। फिर पिता ने पूछा कि बेटा पता चला गरीबी किसको कहते हैं? तब बेटे ने कहा हाँ पिताजी, आज मुझे पता चला गरीबी किसको कहते हैं। बोले क्या तूने समझा? कि देखो गरीबी मैंने ये देखी कि अपन तो देखो ये 20x20 के और रूम में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके पास तो सोने के लिए पूरा आकाश है। हमको तो सोते हैं तब ये लाइट चालू करनी पड़ती है, उनके पास तो पूरा सूरज है और रात को चंद्रमा है। हमको तो पानी पीना है तो फ्रिज में जाना पड़ता है, उनके पास तो बहती हुई नदियां हैं। आज मुझे पता चला पिताजी कि अपन कितने गरीब हैं। पिताजी बताने कुछ गए थे और वो समझ के कुछ आया। ये देखने का नजरिया है। जिस अवस्था के अंदर अपन रह रहे हैं, यदि शुभत्व ढूंढना आ जाए तो आप जहां बैठे हो वहां आनंद से रह सकते हो। और जो व्यक्ति जहां बैठा है वहां आनंद में नहीं रह सकता, तो उसे स्वर्ग में ले जाओ तो वहां जाके भी कंप्लेन करेगा, सवारे पानी बराबर आवत नहीं। जो व्यक्ति जहां पे बैठा है यदि वहां आनंदित नहीं रह सकता, तो वो जगत के किसी भी कोने में जाएगा, वहां फरियाद की लिस्ट ढूंढ लेगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। तो जिस स्थान में रहते हैं, उस स्थान में, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में अपने मन को स्वस्थ करके रहना, अपने मन को स्वीकार। देखो, आध्यात्मिक पथ पे आगे चलना है ना, तो एक ही सूत्र याद रखो, स्वीकार। हर एक परिस्थिति स्वीकार, जिसका संग जगत में मिले स्वीकार, जो वस्तु सामने आए स्वीकार। और देखो, जो वस्तु अपन बदल नहीं सकते उसके लिए एक ही सूत्र काम करता है, स्वीकार। क्योंकि अपन उसको बदलना चाहते हैं पर वो बदलने वाली नहीं है, ये जानने पर भी बदलना चाहते हैं, वस्तु जो परिस्थिति सामने आई है उसका स्वीकार नहीं कर पा रहे, और स्वीकार नहीं कर पा रहे इसलिए अपन पल पल दुखी हो रहे हैं।